हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? खुशपुर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत सुबह का, अभी ना 7:45 हो रहा होगा। अर्नब अभी स्कूल जाने वाला है और हम आए थे गेट खोलने। शायद मेरी बिंदी गिर गई है। सुबह सुबह किचन में काम कर रहे थे हम, अर्नब का लंच बना रहे थे तो बिंदी गिर गई होगी गर्मी से। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अर्नब स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया, अपने पापा से बात कर रहा है। अर्नब सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। मम्मी, ब्लैक चींटी का लीडर कौन है? गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। अर्नब को इसी तरीके से चलते रहता अपने पापा से क्या क्या सवाल पूछता है, क्या नहीं पूछता है। आजकल सवाल इतना पूछता है बोलने का नहीं। कल मेरे को बोल रहा था कि हिंदी पढ़ रहा था तो सब में मात्रा होता है, जैसे आ में आ की मात्रा, ई में ई की मात्रा, तो अ से अनार में बोलता है इसका मात्रा क्यों नहीं है। अब इसका सवाल का जवाब तो मेरे को भी नहीं पता है कि उसका मात्रा क्यों नहीं है। भाई बचपन से हम भी पढ़े हैं कि अ से अनार में उसका मात्रा नहीं होता, आ से आम में आ की मात्रा होता है। भाई हम उसको समझाए, वो सिंगल है, अकेले रहता है, इसीलिए उसका मात्रा नहीं है, उसके साथ कोई रहता नहीं है। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही है। ये रहे सोना और ये अर्नब। बाय बोल दो। अब वो स्कूल से आएंगे तब मिलेंगे। कैसे लग रहे हैं आप? अर्नब हमेशा अच्छा लगता है, अर्नब को पापा भी। हम ही लोग को थोड़ा सजना संवरना पड़ता है। सुबह सुबह कैसा दिख रहे हैं। बाय, जल्दी आना। बाय पे याद आया मेरे को कल क्या हुआ था ना, कि सुबह उठ के अर्नब का लंच बनाए और बना करके यहाँ बैठते थोड़े। ये हमेशा वीडियो में देखते होंगे, हम यहाँ आके बैठते हैं खिड़की पास। आंगन में, गली में अच्छा लगता, थोड़ा हवा चलता है, पेड़ पौधा यहाँ बहुत है ना, तो इसीलिए। कल क्या हुआ ना कि अर्नब को हम बाय करने नहीं गए, मतलब सीढ़ी पर ही ऊपर रूम में ही बोले बेटा बाय, कुछ काम करने में लग गए बिजी, मतलब पूरा रूम ना मैस हो गया था अर्नब को रेडी करने के चक्कर में। तो हम बाय करने गए नहीं। अब जाते जाते अर्नब पूरा मुंह बना करके बैठा है, मुंह बनाया हुआ गाड़ी में, रोने रोने जैसा हो गया। तो सोना पूछे क्या हुआ तुम, क्या हुआ तुमको? तो आज मेरे को बहुत दुख लग रहा है। तो सोना बोले क्या दुख लग रहा है? तो बोल रहा है कि बोल रहा मम्मी आज बाय करने नहीं आई ना, बहुत दुख लग रहा। आती थी गेट पे ना, अच्छा लगता था गेट पे आकर के, मेरे को बाय बोलती थी जल्दी आना, आज नहीं आई है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, दुख लग रहा है मेरे को। तो पापा उसको समझाए कि मम्मी तुमको बोली ना कि मेरे को काम है, आप चले जाओ, आज हम नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर ही रह गए। रूम पूरा कुछ काम ही था, शायद सोना को ऑफिस जाना था कि क्या करना था, कुछ करना था मेरा वो काम, इसलिए हम नीचे नहीं गए उसको बाय करने के लिए। ऐसा तो आजकल बच्चे लोग, मतलब कितना दिमाग रहता है समझिए। वो उसको मात्रा पढ़ा रहे हैं तो वो बोल रहा आ में मात्रा क्यों नहीं है, आ में मात्रा इसके क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं। अभी तो बड़ा होना शुरू हुआ है, 100 तरह का 10 तरह का ये लोग का सवाल आएगा और मेरे को जवाब देना पड़ेगा। उसकी माँ है हम। कभी कभी उसका सवाल अलग होता है कि मतलब कि 100 ही क्यों बोले, कुछ और क्यों नहीं बोले। अब हम इसका जवाब क्या बोले कि भाई 100 ही क्यों हुआ वो। एक दिन बोल रहा मम्मी 100 किसको बोलते हैं, हम बोले 100 को। बोलो तो 100 100 कैसे हो गया? तब उसको समझाया कि एक जन का 2 नाम है, एक तो हिंदी में एक इंग्लिश में, जैसे एप्पल है एप्पल इंग्लिश में है और सेव हिंदी में है। समझाना पड़ता है बच्चे को, करना पड़ता है। माँ बनना इतना आसान नहीं है, उसका पूरा बचपन साथ में जीना है, उसका जर्नी देखना है और देख करके उसको हर चीज़ सिखाना है। एक भी चीज़ अगर गलत बता दिए, क्योंकि माँ बाप ही पहला गुरु होता है। ये बात सच है कि हम लोग जब स्कूल में हम थे तब हम लोग को बोलते थे टीचर कि यहाँ आते हैं पेरेंट्स लोग और बोलते हैं कि मतलब कि आप मेरे से ज़्यादा बच्चा हम आपको भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ रहा वो आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि स्कूल से ज़्यादा बच्चा घर में टाइम स्पेंड करता है और उसको कितना आता कितना नहीं आता वो आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। अगर आप शुरू से उसको बिल्ली को कुत्ता बता देंगे कि वो कुत्ता है तो कुत्ते ही बोलेगा, क्योंकि आप बताए हैं स्टार्टिंग में।
इसीलिए अगर हम एक भी शब्द गलत बता दिए तो वही सीख जाएगा। और छोटा था ना तो ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर बोलता था, तो हम उसको कभी करेक्ट नहीं किया, हमको अच्छा लगता था कि अरे बच्चा है उल्टा पुल्टा बोलता है, बहुत प्यारा लगता था। मतलब जब बोलते थे जाओ नीचे जाओ तो बोलता था मम्मी हम ऊपर जा रहे हैं, और जब ऊपर जाता था बोलता मम्मी हम नीचे जा रहे हैं, उल्टा बोलता था। हम कभी उसको करेक्ट नहीं किए, तो ये चीज़ उसको करेक्शन करने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम फर्स्ट बार में उसको करेक्ट कर देते नहीं बेटा इसको ऊपर बोलते हैं इसको नीचे बोलते हैं, तो वो करेक्ट हो जाता। ये चीज़ से मेरे को सीख मिला कि उसी समय टोकना चाहिए बच्चे को कि यहाँ गलत है और ये सही है। आप लोगों का क्या राय है इसमें ज़रूर बताइएगा मुझे, जो जो पेरेंट्स होंगे, मेरी बहुत फ्रेंड्स इसमें देखती है और कमेंट वमेंट करती है, करना ज़रूर कमेंट कि तुम लोग का बच्चा लोग ये सब सवाल करता है कि नहीं करता। मेरा तो बच्चा करता है भाई, बहुत भयंकर भयंकर सवाल करता है और जवाब देना पड़ता है कुछ ना कुछ। ये लोग खेल ही अलग होता है, हम लोग नहीं, हम लोग डब्बा से एथी से कुछ से खेल रहे, इसका अलग ही खेल है ये लोग का। जब नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा नहीं दिमाग लगाएगा कि क्या है ये, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब ये लोग पढ़ने लगता है तब मतलब अगर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अपना आपका इंटरेस्ट जगता है, बैठे यहाँ पे मच्छर काट रहा, बहुत पेड़ पौधा है ना तो पूरा मच्छर लग रहा है। जिसके गार्डन होगा उसको पता होगा, मेरा गार्डन नहीं है लेकिन पेड़ पौधा बहुत सारा लगा हुआ है। तो हमको उसको बात याद कर करके बहुत हंसी आता है, एक से एक बात बोलता है। कुछ भी चीज़ आजकल थोड़ा सा ना बचना सीखा है, मतलब कोई भी चीज़ गलती बोल दिया ना तो बोल देंगे कौन बताया, चाचू, हमारे चाचू से पूछते जाके तो क्या बोलते नहीं नहीं पूछना मत गलती हो जाएगा, कांड हो जाएगा। हम बोले क्या गलती हो जाएगा, मतलब वो बचने के लिए वो चाचू का नाम पसारा, वैसा वाला हाल है उसका। तो हम आपको मिलते हैं बाद में जब नाश्ता वास्ता बना लेंगे, अर्नब आएगा उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो हमको बात करते करते इतना लंबा हो गया है। बच्चे लोग के बारे में बहुत सारी बातें होती है जिसको शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और सही बताएं तो इस वजह से ही हम वीडियो शूट करते हैं, यूट्यूब पर हैं। अर्नब को पहले का, अभी तो हम वीडियो कम डाल रहे हैं उसका, लेकिन अर्नब का पहले में बहुत वीडियो डाले हैं उसका, बचपन का सारा चीज़ का। अभी तो बच्चे ही है लेकिन वो सब देखते ना बहुत मेरे को मज़ा आता है। ये सब भी हम अगर बोल भी रहे हैं तो मेरे को याद रहेगा, बाद में देखेंगे तो बोलेंगे। अगर उनका शादी भी हो जाएगा तो उनकी वाइफ आएंगी, अर्नब की जो वाइफ रहेगी हमारी बहू, वो भी देखेगी कि मम्मी जी बताती थी कि ऐसा 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 अर्नब करता था। बात का बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमको बहुत मज़ा आता है इसके साथ में। और बताओ, अगर वो लोग भी शेयर करना अपना अपना बात, जो मतलब कि इसमें ज़रूर शेयर करना इस बात पर कि जिसके दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं वो लोग जो लड़ाई झगड़ा करता है। हम लोग तो थे भाई, तीनों भाई बहन खूब लड़ते थे। उसके बाद आदि चुजित हुआ, आंटी का जो बेटा लोग मेरे कज़न लोग, तो आदि चुजित हुआ चारों भाई बहन मिल करके। हम लोग तो बड़े बड़े हो गए तो वो लोग को बहुत तंग करते थे, बहुत मज़ा आता था। तीनों भाई बहन में कोई भी अगर सिबलिंग्स है ना, वो लोग का पटता नहीं है एक दूसरे को, मतलब कि बचाता भी है इंसान। और ऐसा भी होता है कभी कभी कोई कोई बात पे उसको फंसा भी देता है, ओके हमने किए हमने किए हमने, वैसा वाला हाल होता है। बहुत मज़ा आता है, कभी लड़ाई झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता है। नोक झोंक चुटकाने का काम, मार के भाग जाने का काम, वो सब हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोग अब तो बड़े हो गए तो वो सब चीज़ नहीं किए, सब कोई करता है। इसीलिए जो भी ये सब मतलब जिसके बच्चे कर रहे हैं ना, वो मतलब ये ना समझे कि मतलब कि उसी के साथ हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत बदमाश है। सब कोई बदमाश होता है। आप अगर बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा बदमाश है तो आप भी थे तभी बदमाश हुए हैं। इसलिए हम अर्नब को कोई भी नटखट हो, शरारत हो, ये सब कर सकता है, करने के लिए सब अलाउड है उसको। थोड़ा सा समझा देंगे लेकिन डांटेंगे नहीं, कुछ गलती करेगा तभी उसको डांट मिलेगा। बच्चे को प्यार से समझा दो कि ये गलत है बेटा, ये सही ये गलत है, ये हम ही को सिखाना, हम ही लोग को सिखाना होता है। माँ बाप को ही हर चीज़ सिखाना होता है। और एक जो बोलता है ना इंसान, अपने बच्चे को रिस्पेक्ट करना सिखाओ। एक रिस्पेक्ट करना माँ नहीं बाप का है, वो उसका काम है। अगर बाप अपनी अपनी बीवी को, अपनी माँ को, मतलब मेरी सासू माँ को अगर वो इज्जत करता है तो मेरा बच्चा भी वही सीखेगा देख करके कि मेरे पापा इतना प्यार से मेरे मम्मी से बात करते थे, मेरे दादी से बात करते थे। अगर गलत चीज़ घर में देखेगा तो बच्चा वही गलत चीज़ ही सीखेगा। पता नहीं हम बहुत सारा क्या क्या बात बोल दिए, कुछ किसी को बुरा लगेगा तो माफ़ कीजिएगा। सुबह सुबह उठ करके हम शुरू हो गए, बिंदी उंदी भी गिरा वो पे कमेंट आएगा, बिंदी कहाँ है तेरा, मम्मी मेरा पक्का कमेंट करेगी। और
हम फटाफट जा रहे हैं अब नाश्ता बनाते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया, 10 मिनट का वीडियो हो गया आप लोग को बात करते हुए, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसके बाद का वीडियो हम इसके बाद शूट करेंगे और तब डालेंगे, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो और क्या क्या बात, अच्छा लगा, सही लगा, गलत लगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।